हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आर्मी ऑफ द डेड। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। ये हॉरर जॉम्बीज मूवीज है। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे ये सभी जॉम्बीज से बंद शहर में जाके शहर के बीचों बीच एक तिजोरी में से 200 करोड़ डॉलर लेके आए। तो शुरू करते हैं शानदार मूवी का एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के टॉप सीक्रेट एरिया 51 से, जहां मिलिट्री की गाड़ियां एक कंटेनर को फुल सिक्योरिटी के साथ ले जाती हुई दिखती है। वहीं थोड़ी दूर पर हम एक कपल को देखते हैं जो इस सुनहरी शाम के हसीन पलों को एंजॉय कर रहा है और वेगास की तरफ आ रहा है मस्ती करने के लिए। वहीं ये दूसरी ओर आर्मी ऑफिसर बात कर रहे हैं कि आखिर इस कंटेनर में ऐसा क्या है जो इतने तामझाम से भेजा है। अब ये दोनों गाड़ियां आमने सामने आ रही होती है, लेकिन ये आर्मी ऑफिसर फालतू की बकवास में लगे होते हैं और दूसरी ओर ये कपल मस्ती टाइम में होते हैं और होता है एक जबरदस्त एक्सीडेंट जहां कई आर्मी ऑफिसर मर जाते हैं और कितने घायल हो जाते हैं। और ये कपल तो मस्ती करते हुए ही ऊपर चले जाते हैं और सबसे मेन वो कंटेनर वो मेन रोड पे आके गिर जाता है। अब इस भयानक मंजर में एक आर्मी ऑफिसर अपने हेडक्वार्टर कॉल करता है और बोलता है, hey, यहाँ पर इमरजेंसी है, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद चाहिए, हमारे कितने आदमी घायल भी हैं, जल्दी बैकअप टीम भेजो। वहाँ से ऑफिसर बोलती है, ओके, लेकिन कंटेनर किस हालत में है ये बताओ। ऑफिसर कहता है, वो कंटेनर रोड पे आड़ा पड़ा हुआ है। फिर वो ऑफिसर कहती है, देखो, किसी को उस कंटेनर के पास जाने मत देना और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो और जो घायल है उन्हें वहीं रहने दो। तभी उस कंटेनर के पास एक दूसरा ऑफिसर जाने लगता है। तभी वो ऑफिसर चिल्लाता है, ओए, इस कंटेनर से दूर हो जाओ, हमें उस कंटेनर के पास जाने के लिए मना किया है। लेकिन तभी उस कंटेनर में से एक खुकार जॉम्बी निकलता है और वो आसपास के सभी आर्मी ऑफिसर खाने लगता है। ये देख के वो ऑफिसर अपने साथी को लेके वहां से भागता है, लेकिन थोड़ी दूर पर जाने पर वही जॉम्बी उस ऑफिसर और उसके साथी को मार डालता है। अब ये सभी इन्फेक्टेड होकर जॉम्बी बन गए हैं और सामने है सपनों का शहर लॉस वेगास, और यहां ये सब लोग मस्ती कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं जो हम भी करना चाहते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं इन सभी के बाप लोग जॉम्बीज, जो सबको काटना शुरू कर देते हैं और सबको इन्फेक्टेड करने लग जाते हैं और इस जन्नत जैसे शहर को जहन्नुम बना देते हैं। अब यहाँ आर्मी भी आ जाती है इन सबको मारने के लिए, लेकिन इन मनुष्य जॉम्बीज को आर्मी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है और ये ट्विटर फेसबुक की तरह अपने फॉलोवर बढ़ाते जाते हैं बढ़ाते जाते। अब अमेरिकन गवर्नमेंट करे तो क्या करें, एयर स्ट्राइक भी कर लिए, टैंक भी भेज दिए, आर्मी तो वहाँ है ही, तो आखिर में ये चारों ओर दीवार खींच कर वेगास शहर को ब्लॉक कर देते हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं 96 घंटों में इस वेगास शहर पे एक परमाणु बम फेंको जिससे इन मनुष्य जॉम्बीज से हमारी जान छूटे। अब मूवी के अगले सीन में हम मूवी के लीड एक्टर स्कॉट को देखते हैं जो पहले अपनी टीम के साथ वेगास में था और उसने बहुत सारे जॉम्बीज की मां बहन एक कर रखी, इसलिए उससे मिलने आते हैं मिस्टर तनाका और कहते हैं, बड़ा अजीब लगता है एक आदमी जो पहले तो अपने देश के लिए जॉम्बीज से भिड़ गया और अभी यहाँ होटल के अंदर कुक का काम कर रहा है। स्कॉट कहता है, मुद्दे की बात पे आओ। मिस्टर तनाका कहता है, मेरे 200 करोड़ की रकम लॉस वेगास में अटकी हुई है, तुम जाओ उसे लेकर आ जाओ, बदले में तुम्हें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, वो तुम चाहे तुम रखो या तुम्हारी टीम को दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास 96 घंटे का समय है। स्कॉट कहता है, मैं सोच के बताऊंगा। स्कॉट की वाइफ मर चुकी है और उसकी एक बेटी है। स्कॉट अपनी बेटी के बारे में सोचता है कि आगे उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो अपने सभी टीम मेंबर्स के पास जाता है। सबसे पहले वो मारिया के पास में जाता है क्योंकि वो मारिया को पसंद करता है और मारिया भी उसे पसंद करता है, लेकिन इनमें नॉर्मल रिलेशनशिप होती है एक दोस्त की तरह। स्कॉट मारिया को पूरा प्लान बताता है कि उन्हें क्या काम करना है, जिसपे मारिया बिल्कुल हाँ भर देती है। उसके बाद ये अपने तीसरे साथी वेंड्रो के पास जाते हैं, वेंड्रो को पूरा प्लान बताते हैं। वेंड्रो वैसे बोलता है, इस लाइफ से मैं बहुत पक चुका हूँ, मैं ये काम पक्का करूंगा, लेकिन अपन तीनों के हाथ में कितना आएगा। उसपे स्कॉट कहता है कि अपन तीनों के पास में 15-15 मिलियन आ जाएंगे, बाकी 5 मिलियन दूसरी टीम में बांट देंगे। उसके बाद में ये मिलते हैं पीटर से, उसका काम है हेलीकॉप्टर चलाना। वो कुछ बात सुनती नहीं है और वो पहले ही हाँ कर देती है 2 मिलियन के नाम सुनते के साथ ही। उसके बाद ये चौथे बंदे से मिलते हैं जिसका नाम होता है माइक उस्मान, उसको ये 5 लाख के लिए कहते हैं जिसमें उसकी भी हाँ होती है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है पांचवा बंदा डीटर। डीटर सबसे खास बंदा होता है क्योंकि उसका काम ही है तिजोरी खोलना। डीटर को ये 2.5 लाख का ऑफर देते हैं जिसमें डीटर डील हाँ कर देता है। अब ये पूरी टीम मिस्टर तनाका के पास में जाती है जहाँ मिस्टर तनाका कहते हैं, तुम सभी का टारगेट है लॉस वेगास का सबसे बड़ा कसीनो, जहाँ पर तुम जाओगे तो पैदल ही, लेकिन आते समय तुम्हें सामने वाली बिल्डिंग पे एक हेलीकॉप्टर मिलेगा जिससे तुम्हें आने में कोई परेशानी नहीं होगी। जॉम्बीज को मारना तो तुम्हारे लिए मामूली काम ही होगा, लेकिन तुम्हारा असली काम चल्लू होगा उस कैसीनो में। सबसे पहले वहां जाकर तुम जनरेटर ऑन करोगे, फिर तुम कैसीनो के बेसमेंट में जाओगे क्योंकि वहीं पर है तिजोरी। उस तिजोरी को तुम चालाकी से खोलोगे और सारा पैसा उसमें से निकालोगे, बैग में डालोगे और ऊपर खड़ा हुआ हेलीकॉप्टर सीधा वापस यहां आ जाओगे और थोड़ी देर बाद में शहर को परमाणु बम से उड़ा दिया जाएगा। सिंपल एंड श्योर प्लान। मिस्टर तनाका इन सबको ऐसे समझाते हैं जैसे मैकडॉनल्ड्स से कोई बर्गर लेके आना हो।
जबकि इनको पता है कि वहाँ पर अच्छो अच्छो की फट जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कॉट अपनी बेटी से मिलता है जो वेगास शहर के बाहर क्वारंटाइन कैंप में है, और उसकी बेटी को सारे रास्ते आने जाने के पता है। वो अपनी बेटी को सारा प्लान समझाता है और अपने हिस्से के $15 मिलियन भी देने के लिए कहता है, जिस पर उसकी बेटी हाँ भर देती है। और वो उसे मिलाती है लिली से, जिसे लो पासपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि लिली उस जॉम्बिस से भरे शहर में लोगों को लाने ले जाने का काम करती है। अब ये सब पूरी तैयारी साथ अंदर जाने ही वाले होते हैं कि स्कॉट की बेटी आ जाती है, और वो स्कॉट से कहती है कि डैड मैं भी आपके साथ जाऊंगी, लेकिन स्कॉट साफ मना कर देता है कि वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ तुम नहीं जा सकती हो। इस पे स्कॉट की बेटी कहती है कि गीता उसकी फ्रेंड है और वो पैसों के चक्कर में अंदर गई हुई है और उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पे है, इसलिए उसे बचाने मुझे जाना ही होगा। आखिर में स्कॉट मान लेता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन सबसे कहता है क्या खिचड़ी पक रही है। वो ऑफिसर काफी वायद आदमी है, वो औरतों का फायदा उठाता है, औरतों को परेशान करता है और काफी करप्ट इंसान भी है। लिली उसे भी टीम में साथ लेने के लिए कहती है क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता। अब ये सब कंटेनर के रस्ते से वेगास के खतरनाक शहर में एंट्री लेते हैं। ये थोड़े ही आगे चलते हैं कि इन्हें एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनके ये सब कार के पीछे छुप जाते हैं और वो देखते हैं एक हुकार जॉम्बी टाइगर। टाइगर वहाँ पर थोड़ी देर रुकता है और फिर वहाँ से चला जाता है। तभी लिली वहाँ पर एक अपनी चाल चलती है, वो उस पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और कहती है हे एक्सक्यूज मी, जरा अपनी गन दिखाओगे। वो पुलिस ऑफिसर बोलता है काफी कीमती है, थोड़ा ध्यान से संभाल कर रखना। और तभी लिली उसी की बंदूक से उसी की टांग में गोली मार देती है, जिससे ऑफिसर नीचे जमीन पर लेट जाती है। ये देख के सब चौंक जाते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पे लिली कहती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए इन जॉम्बिस से एक सौदा करना पड़ेगा, उनको हमें एक तोहफा देना होगा जिससे वो हमारे को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर लिली उस ऑफिसर को बांधने लगती है। वो ऑफिसर मना करता है, देखो ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुमको गरीबों की हाय लगेगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो नहीं मानती है। और थोड़ी देर बाद में ही वहाँ पर मेल और फीमेल जॉम्बिस आती है और उस पुलिस वाले को उठाकर ले जाते हैं सीधा ओलंपस बिल्डिंग में, जहाँ वो सभी को लेके जाते हैं। ये देख के इन सभी में एक खौफ हो जाता है कि कहीं ये 200 करोड़ के चक्कर में इनमें से किसी की बलि ना चढ़ जाए। अब ये थोड़ी आगे जाने के बाद में एक बिल्डिंग में घुसते हैं जहाँ बहुत अंधेरा होता है, बहुत सारे जॉम्बिस सो रहे होते हैं। इन सबको इनके बीच में से निकलना है और उनकी एक गलती भी इनकी जान ले सकती है। अब ये सभी इन जॉम्बिस के बीच में से बचते बचाते हुए निकल रहे हैं। अब ये सब आगे निकल जाते हैं, लेकिन पीछे जयब्रस फंस जाती है। अब जयब्रस इन जॉम्बिस से घिरी हुई होती है और ये जॉम्बिस धीरे धीरे जगने लगते हैं, जिससे जयब्रस भी इनको धीरे धीरे मारती है, लेकिन वो इतने सारे जॉम्बिस का अकेली मुकाबला नहीं कर सकती। आखिर में जॉम्बिस उसे पकड़ ही लेते हैं और उसको काटने ही लगते हैं। और ये सीन माइक देख नहीं पाता है और वो दूर से अपनी स्नाइपर बंदूक से जयब्रस के बैग में गोली मारता है, जिसके अंदर जनरेटर ऑन करने का ऑयल होता है। और तभी होता है वहाँ एक बड़ा विस्फोट और जॉम्बिस के साथ में जयब्रस भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब ये इस बिल्डिंग से निकल जाते हैं और सामने देखते हैं वही कैसीनो वाली बिल्डिंग। कैसीनो के अंदर एंट्री के साथ ही दो टिच्चे मुच्चे जॉम्बिस इनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें ये फटाफट मार देते हैं। अब ये पूरा प्लान बताते हैं इन्हें क्या करना है। अब स्कॉट और उसकी बेटी जनरेटर को ऑन करने के लिए चले जाते हैं और माइक, पीटर और वेंड्रो नीचे बेसमेंट में तिजोरी खोलने के लिए जाते हैं, और मारिया और पीटर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाती है, और लिली और टनाका का बॉडीगार्ड को बाहर निगरानी रखते हैं। अब ये सब अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। अब हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ लिली और टनाका का बॉडीगार्ड मार्टिन होते हैं। वो उसी शैमलेस जॉम्बिस को वहाँ पर देखते हैं और वो शैमलेस जॉम्बिस इन दोनों को देख के चिल्लाती है और इनके पास भागती हुई आती है। तभी मार्टिन उस जॉम्बिस को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन काट देता है और उस सर को बैग में डाल देता है। इस पे लिली मार्टिन से कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, अगर इसके लवर जॉम्बिस ने इसकी लाश देखी तो हम सबको छोड़ेगा नहीं। अब माइक, मारिया, कॉट और उसकी बेटी टीवी पे न्यूज देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने परमाणु विस्फोट का टाइम चेंज कर दिया है। जो 24 घंटे में होने वाला था धमाका, वो अब 90 मिनट में होगा और अमेरिका का ये मेगा शहर दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। ये सुनकर स्कॉट परेशान हो जाता है और सारे टीम को अलर्ट करता है। वो पीटर को कहता है कि हेलीकॉप्टर रेडी रखो, क्योंकि उनके पास में 24 घंटे नहीं अब 1.5 घंटा ही है। और वो सीधा नीचे बेसमेंट में तिजोरी के पास जाता है, जहां तिजोरी अभी तक नहीं खुली होती है। इसपे वो डीटर को कहता है कि जल्दी करो, जल्दी, मुझे जल्दी काम चाहिए। डीटर बहुत गुस्से में होता है, वो बोलता है तुम जानते हो ना ये क्या है, ये दुनिया की सबसे एडवांस तिजोरी है, और अब तुम में से किसी ने कुछ भी कहा तो ये तिजोरी खुलेगी नहीं। तुम सभी 30 मिनट तक साइलेंट हो जाओ, बिल्कुल सन्नाटा चाहिए मुझे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और थोड़ी देर के बाद डीटर तिजोरी खोल देता है, सब खुश हो जाते हैं, चारों तरफ पैसा ही पैसा। लेकिन इन्हें क्या पता है कि अब आएगा भूचाल, क्योंकि जिस सैमलेस जॉम्बिस का मार्टिन सर काटा था, उसका लवर इन सभी जॉम्बिस का राजा है, जिसको अपन ने मूवी के एंट्री में देखा था। और जब वो उसकी सर कटी लाश देखता है तो गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने सारे जॉम्बिस की सेना लेकर बाहर आ जाता है। अब सारे जॉम्बिस और भी ज्यादा खुखार हो गए हैं और इन सभी को ढूंढ रहे हैं। अब मारिया स्कॉट से
बात कर रही होती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, स्कॉट भी हाँ करता है कि मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन तभी ये सभी जॉम्बीज एलिवेटर से नीचे आ जाते हैं और आते के साथ ही मारिया का सर घुमा देते हैं और स्कॉट पर हमला कर देते हैं। स्कॉट भी लड़ता है लेकिन इस बार ये बहुत गुस्से में होते हैं। ये देखकर स्कॉट सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। सब बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं, बस डीटर और वेंड्रो वहाँ फंस जाते हैं। और अब वो क्या देखते हैं कि इन सभी जॉम्बिसों का बाप नीचे आया है जो एकदम हैवान लग रहा है। अब डीटर और वेंड्रो उस जॉम्बिस के सर पे गोलियां मारते हैं लेकिन उसके सर पे गोलियां कोई असर नहीं होता क्योंकि उसने टाटा स्टील की हैट पहनी हुई है जिससे गोली का कोई असर नहीं होता। सेफ्टी फर्स्ट। अब वेंड्रो डीटर को पीछे कर देता है और सॉलिड स्टाइल में उस जॉम्बिस से जा भिड़ता है। लेकिन जॉम्बिस का दिमाग सटका हुआ होता है, जो वेंड्रो को वो उठा उठा के पटकता है, खूब मारता है जिससे वेंड्रो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है। अब वो जॉम्बिस वेंड्रो का हाथ पकड़ता है और काटने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ डीटर आ जाता है और डीटर उसके सर पे कोई लोहे की चीज मारता है और वेंड्रो को उसी जोरी में डाल देता है। लेकिन जॉम्बिस डीटर को पकड़ लेता है और डीटर का काम तमाम कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन बाहर आ गया है और वो अपना बैग चेक करता है लेकिन उस बैग में उसको कटा हुआ सर नहीं मिलता क्योंकि असल में मिस्टर टनाका को पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था वो सर जिससे वो दुनिया में एक वायरस हथियार के रूप में यूज करते हैं। अब मार्टिन को कुछ हलचल होती हुई दिखती है और मार्टिन पलट के देखता है तो वही जॉम्बिस टाइगर उसके पीछे होता है और वो मार्टिन को कच्चा चबा जाता है। खेल खत्म। अब स्कॉट, माइक और लिली कैसिनो से निकलते हैं लेकिन वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बिस आ जाते हैं। माइक कहता है ये कमबख्त जॉम्बिस हमारा पीछा क्यों छोड़ते हैं। अब ये तीनों मिलकर धुआंधार गोले चलाते हैं लेकिन इनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है कि इनके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब माइक वापस चिल्लाता है जल्दी निकलो यहाँ से, लेकिन दो जॉम्बिस आकर माइक को पकड़ ही लेते हैं और उसे काट ही लेते हैं। ये देख के स्कॉट की दिमाग की हट जाती है और जॉम्बिस की वो लाशें बिछा देता है। लेकिन अब माइक अपने बॉम्ब की पिन खोल देता है और अपने साथ कई सारे जॉम्बिस को ले बैठता है। अब स्कॉट और लिली छत पे जाते हैं जहाँ हेलीकॉप्टर होता है लेकिन वहाँ पर भी वो मजनू जॉम्बिस आ जाता है और वो जैसे ही हमला करने वाला होता है उतने में लिली उसकी लेला का कटा हुआ सर दिखाती है। इस पे स्कॉट कहता है ये क्या पनौती है। इस पे लिली कहती है ये इसकी गर्लफ्रेंड का सर है और स्कॉट तुम यहाँ से जाओ, इसे तो मैं संभाल लूंगी। लिली वो सर लेके छत पे खड़ी हो जाती है लेकिन वो जॉम्बिस एक सरिया फेंक कर मारता है जिससे लिली घायल हो जाती है। लेकिन लिली उसकी लेला का सर नीचे फेंक देती है जिससे उस सर का कीमा बन जाता है। अब पीटर स्कॉट से कहती है वो क्या जॉम्बिस का सरदार था। स्कॉट कहता है मत पूछो। पीटर कहती है पैसा कहाँ है। स्कॉट कहता है हम कुछ नहीं लाए। पीटर कहती है तो तू क्या यहाँ पर मुझे जॉम्बिस की बारात दिखाने लाया था। स्कॉट कहता है मेरी बेटी कोलंबस में, जल्दी चलो वहाँ जाकर। स्कॉट अपनी बेटी और गीता को ले आता है लेकिन यहाँ क्या, यहाँ वो जॉम्बिस वापस आ जाता है और पीटर जल्दी से हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करती है लेकिन वो जॉम्बिस सुपरमैन की तरह हवा में उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर के अंदर आ जाता है और अंदर आते के साथ स्कॉट पर हमला कर देता है। वो स्कॉट को किसी भी हाल में मारना चाहता है लेकिन स्कॉट भी उसका मुकाबला कर रहा है। इसी लड़ाई में एक गोली पीटर को भी लग जाती है लेकिन वो हेलीकॉप्टर को संभाल लेती है। अब इनका हेलीकॉप्टर लॉस वेगास से बाहर आ जाता है और हमें आकाश में एक न्यूक्लियर मिसाइल जाती हुई दिखती है लेकिन आखिर में वो जॉम्बिस स्कॉट को काट ही लेता है। लेकिन स्कॉट भी अपनी गन से जॉम्बिस के सर के चीतड़े उड़ा देता है और वेगास में न्यूक्लियर मिसाइल जाकर फट जाती है और मिसाइल के वाइब्रेशन से इनका हेलीकॉप्टर का बैलेंस खराब हो जाता है और वो क्रैश हो जाता है। अब स्कॉट की बेटी को होश आता है, वो देखती है सब मर गए हैं बस उसके डैड को छोड़ के। अब वो अपने डैड के पास जाती है और बोलती है डैड हम बच गए डैड। लेकिन स्कॉट कहता है मैं अभी भी इन्फेक्टेड हो चुका हूँ और तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। वो बोलती है आपको कुछ नहीं होगा डैड, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन स्कॉट उसे खुद को मारने के लिए कहता है क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में जॉम्बी बन जाएगा। वो अपनी बेटी को पॉकेट में पड़े हुए पैसे देता है और कहता है मुझे भूल मत जाना। बस वो अब जॉम्बिस बनने ही वाला होता है और ना चाहकर भी उसकी बेटी उसे गोली मार देती है और रोने लगती है। अब हमें मूवी में अलग ही नजारा देखने को मिलता है। वो जन्नत जैसा शहर कचरे के ढेर में तब्दील हो चुका है, चारों तरफ बिल्डिंग का मलबा पड़ा है और उस मलबे में से 3 पैसों से भरे हुए पैक का वो पेंट्रो दिखता है। वो बच गया है, वो इसलिए क्योंकि वो तिजोरी में था और उस तिजोरी पे न्यूक्लियर मिसाइल का भी कोई असर नहीं होता है। अब वेंड्रो चल रहा है, चारों तरफ कोई भी नहीं है, सब सुनसान पड़ा हुआ है। अब उसे एक सूने घर के बाहर एक कार मिलती है, वो इसे लेकर सीधा एयरपोर्ट जाता है। वेंड्रो एयरपोर्ट जाके कहता है मुझे वो प्राइवेट प्लेन चाहिए लेकिन वो वेंड्रो को मना कर देते हैं। वो कहती है ये प्लेन सर खास लोगों के लिए, आप इसमें नहीं जाते हो। वेंड्रो स्माइल देता है और अपना बैग खोलता है और उसमें से 3 पैसों के बंडल निकाल के उसकी टेबल के सामने रख देता है क्योंकि अब उसके पास में बहुत सारा पैसे की कोई कमी नहीं है। अब वो उस प्राइवेट प्लेन में जिसमें बहुत सारे ऐशो आराम, वो खुश है, बहुत खुश है। लेकिन तभी उसको चक्कर आने लगते हैं, वो सोचता है नॉर्मल है, थकान होगी। अब वो वॉशरूम में जाता है और अपना हाथ देखता है तो उसे अपने हाथ पे जॉम्बी से काटने के निशान मिलते हैं और ये देख के वेंड्रो हंसता है और कहता है मेरे तो एल लग गए। तो दोस्तों यहाँ होती है शानदार मूवी की एंडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।